बच्चों को प्रोसेस्ड फूड से क्या नुकसान है, क्यों ये बच्चे छोड़ नहीं पाते, और क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये बच्चे इस फूड से दूर रहें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूंगा और डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो शायद आप जान पाएंगे कि बच्चों को प्रोसेस्ड फूड से क्या नुकसान है, क्यों ये बच्चे छोड़ नहीं पाते, और क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये बच्चे इस फूड से दूर रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रोसेस्ड फूड होते क्या हैं। देखिए, प्रोसेस्ड फूड और नेचुरल फूड में क्या अंतर है, हम इस बारे में बात करेंगे। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है ऐसा फूड जिसको भगवान ने या नेचर ने नहीं बनाया, ऐसा फूड जिसको इंसान ने बनाया है। जी हाँ, इवन कुकिंग, इवन फ्रीजिंग, इवन कैनिंग, ये सब चीज़ें भी प्रोसेस्ड फूड में आती हैं। लेकिन क्या ये सब डेंजरस है? जी नहीं, ये बिल्कुल डेंजरस नहीं है। कुकिंग ज़रूरी है, हम कच्चा मांस, कच्ची सब्जी, कच्चा अनाज शायद नहीं खा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और ये हेल्प करती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रोसेसिंग है जो हेल्प नहीं करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम प्रोसेस्ड फूड को लेकर इतने वरिड क्यों है, और इसको क्यों एक ड्रैगन के रूप में, एक राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, एक साइंटिफिक बॉडी है नोवा, जिसने क्लासिफाई किया था कि हमें किस फूड को प्रोसेस्ड कहना है, किसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड कहना है, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं, अनप्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या है, जो मदर नेचर हमें डायरेक्ट फॉर्म में दे रही है, सब्जियां, सैलेड्स, इसके अलावा ट्यूबर्स, ग्रेन्स, ये सब चीजें अनप्रोसेस्ड फूड में आती हैं। उसमें हम कुछ चीजें डालते हैं, जैसे साल्ट, चीनी, जैसे हम उसको अचार बनाना बोलते हैं, या उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, जैसे दही बनाना, ये सब चीजें प्रोसेसिंग में यूज होती हैं, जिसको हम प्रोसेस्ड फूड बोल देते हैं। जैसे कि बोटल्ड वेजिटेबल्स, जैसे अचार है, अचार कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर हम नमक डाल देते हैं बहुत सारा और उसको बंद करके रख देते हैं, वो भी एक तरह की प्रोसेसिंग है, बट शायद वो इतनी हार्मफुल नहीं है और इन सम केसेस बेनिफिशियल भी है। इसके बाद नंबर आता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, दैट इज डेंजरस। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं? ये वो फूड है जो एक इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज एडिबल्स। जी हाँ, ये फूड मैं नहीं कहूंगा इनको, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कुछ खाने की चीजें बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती है, अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे नुकसान भी करती है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम एक ही चीज को हम मिनिमली प्रोसेस्ड या नेचुरल फॉर्म में खाते हैं, उसको मिनिमली प्रोसेस्ड फॉर्म में खाते हैं, और उसका जब इंडस्ट्री उसको अल्ट्रा प्रोसेस करती है, तो वो किस तरीके से पेश करती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक पोटैटो है, दैट इज अनप्रोसेस्ड या मिनिमल प्रोसेस्ड, उसको हम बेक करके हम सब्जी बना के खाते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग, बट दैट इज नॉट हार्मफुल। बट जब वही पोटैटो बार बार बॉयल किया जाता है, बार बार उसको फ्राई किया जाता है, तो वो चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। बिस्किट, बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं? ग्रेन्स को लेकर उसमें से मैदा निकाला जाता है और उसको बहुत हाई हीट पे रखा जाता है। जब किसी भी चीज को बहुत हाई हीट पे किया जाता है, तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, चेंज करके उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बहुत बनती हैं जिसको एडवांस्ड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में क्या क्या आता है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आती हैं जितनी भी पैकेट वाली चीजें। जी हाँ, मैं पैकेट वाली चीजों की बात बोल रहा हूँ, कुरकुरे, चिप्स, मैगी, बिस्किट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉफी, आइसक्रीम, ये सब चीजें प्रोसेस्ड फूड में आती हैं। इवन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कैलॉग्स बहुत कॉमन है, सेरेलैक बच्चों के लिए बहुत कॉमन है, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का नाम ले रहा हूँ, डिब्बे वाला दूध। जी हाँ, डिब्बे वाला दूध भी एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है।
उसमें किया क्या गया है, कैसे बनाया गया है, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का अलग-अलग सोर्स लिया गया है, उसको मिक्स करके मदर जैसा दूध बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक भी या आने वाले समय में कभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंडस्ट्री माँ के जैसा फूड बना पाए। माँ जितना अच्छा दूध बनाती है, जो उसकी क्वालिटीज होती हैं, वो कोई इंडस्ट्री नहीं बना पाएगी। कैसे बनता है, किस इंडस्ट्रीज में बनता है, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो भी चीज़ इंडस्ट्री में बनती है, आप जानते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, क्या क्या लॉजिक है उस फैक्ट्री को लगाने का? ओनली वन लॉजिक जो मुझे समझ में आता है, प्रॉफिट बनाने का। कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे वो जूतों की फैक्ट्री हो, चाहे वो हार की फैक्ट्री हो, चाहे वो फूलों की फैक्ट्री हो, या फिर एडिबल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं फूड तो उसे कह नहीं पाऊंगा, एडिबल प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री हो, इन सब फैक्ट्रीज का सिर्फ एक मोटो होता है, प्रॉफिट। कोई भी चीज का प्रॉफिट कैसे आएगा? उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए और उसकी सेल्स ज्यादा होनी चाहिए। तो कोई भी इंडस्ट्री तभी सर्वाइव करेगी जब उसकी सेल्स है बहुत सारी और उसने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर लिया है। अब आप किसी भी खाने को, जब भी आपकी मदर खरीदने जाती है, जब भी किसी रेडी वाले के पास जाती है, तो क्या खरीदती है? सबसे बेस्ट सब्जी, सबसे बेस्ट फ्रूट्स, और जो बच जाता है शाम को, जो सब्जी वाला वापस लेकर जाता है, वो कहाँ जाता है? इंडस्ट्रीज में। जी हाँ, जो सबसे सड़ा गला फ्रूट होगा, जो सबसे सड़ा गला अनाज होगा, ये कंपनियां बाय करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनको अपनी कॉस्ट को कम रखना है और इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कोई भी अनाज हो सकता है। उस अनाज को इनको क्रश करना है, क्रश करके उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स अलग निकाल लेते हैं, प्रोटीन के सोर्स में प्रोटीन अलग निकाल लेते हैं, जो एक खाने में लाइफ होनी चाहिए वो फिनिश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मोटो क्या है किसी भी कंपनी का? सेल्स बढ़ाना है। अब सेल्स बढ़ाने के लिए कैसे किया जाएगा? वो ऐसी चीज बनाएंगे जिससे उसको यूज करने वाले को उसकी आदत पड़ जाए। कैसे आदत पड़ेगी? इसके लिए वो लोग आपकी बायोलॉजी स्टडी करते हैं, आपकी साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, आपका एवोल्यूशन स्टडी करते हैं, फिर उन सबको अप्लाई करके वो मार्केटिंग करते हैं उन चीजों की। बिकॉज सिंपल एड चला के तो आप शायद नहीं खरीदेंगे उनको, सब ये साइंटिफिकली डाटा सर्च किया जाता है, इस पे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं, न्यूरो मार्केटिंग की जिसको बोलते हैं, आपके दिमाग को पढ़ के आपके दिमाग को हैक किया जाता है। आपका बच्चा कुरकुरे चिप्स के पीछे क्यों है? क्यों पड़ोसी का बच्चा, सबका बच्चा पैकेट की चीजें क्यों खा रहा है? क्योंकि इन कंपनियों ने बहुत बजट लगाया है, बहुत पैसे लगाए हैं उन बच्चों का दिमाग हैक करने के लिए। जी हाँ, बच्चों की गलती नहीं है। इस लेवल पे मार्केटिंग की जाती है, इस लेवल पे स्टडीज की जाती हैं कि कोई बच्चा इनके चंगुल से बच ना पाए। कैसे करते हैं? फिर मैंने बोला है, बायोलॉजी स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन स्टडी करते हैं। अब अगर हमें बच्चों को बचाना है, अगर मुझे मेरे बच्चे को बचाना है, तो मुझे भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो कौन सी बायोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं, वो कौन से एवोल्यूशन को पढ़ के आ रहे हैं, वो किस तरीके से मुझे उसे हैंडल करना है। अगर मैं कुछ कर पाया, समझ पाया, तो शायद मैं पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको भी कुछ समझा पाऊं, एज ए कम्युनिटी सबके साथ जुड़ के। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपके घर में है? आई एम श्योर 80% ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज हुई हैं इस पे। जी हाँ, 80% बच्चे इनका शिकार हैं, डेली चिप्स मिक्सचर कंज्यूम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑलमोस्ट डेली फास्ट फूड खा रहे हैं। आई एम श्योर आपने अपने बच्चों को इससे छुड़ाने का प्रयास भी जरूर किया होगा। सच बताइए, क्या आपने प्रयास किया और छुड़वा पाए? आई एम श्योर ज्यादातर पेरेंट्स फेल हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स कहते हैं, नहीं मेरे बच्चे अब नहीं खाते, बट जब आप डीप डाउन जाएंगे, पूछेंगे, शायद आपके सामने नहीं खा रहे हैं लेकिन बाहर वो खा रहे हैं। तो कैसे हम इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं? हम ऐसा क्या करें
कि हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से अपने बच्चे को बचा पाए, क्योंकि हमारे लिए हमारी फैमिली कौन है? हमारा बच्चा, हमें उसको बचाना है इन कंपनियों की, जिसको प्रिडेटरी मार्केटिंग कहते हैं, कि ये आपके बच्चे के दिमाग में घर कर देती है कि वो खाए बिना रह नहीं पाते हैं। तो इस मार्केटिंग से कैसे बचना है, इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा, उन्होंने क्या स्टडी किया आपके बच्चे की, बायोलॉजी, एवोल्यूशन एंड साइकोलॉजी। तो हमें समझना पड़ेगा क्या, किस तरीके से ये फूड बायोलॉजी पे इफेक्ट डाल रहा है, क्यों हमारे बच्चे क्रेव कर रहे हैं उस चीज के लिए, और क्या क्या इसके नुकसान हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगा कि इन प्रोसेस्ड फूड से नुकसान क्या है, क्या ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसलिए हम इसे बचाना चाहते हैं। सबसे पहले, कोई भी प्रोसेस्ड फूड सिर्फ उन चार पांच चीजों का मिक्सचर है जो उसके ऊपर प्रिंट लगा हुआ है। सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जी हाँ, निकाल लिए जाते हैं। कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल, जिस तरीके से इंडस्ट्री में ये बनाए जाते हैं, सरवाइव ही नहीं कर सकता, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कई कंपनीज क्लेम करेंगे कि हमने ऊपर से विटामिन ए डाला है, ऊपर से मैग्नीशियम डाला है, ऊपर से जिंक डाला है, बट दीज आर बायोलॉजिकली इनएक्टिव। ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, जस्ट एक आपकी तसल्ली के लिए या मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं, इसके अलावा ये बेनिफिट नहीं करते। तो आपका बच्चा जो खा रहा है, ही इज ईटिंग एम्प्टी कैलोरीज। मतलब जब आप किसी बच्चे को कोई फ्रूट सब्जी या होल ग्रेन दे रहे हैं, तो कैलोरीज तो जा रही है, लेकिन साथ में उसके क्या जा रहा है, फाइबर जा रहा है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। फाइबर की वजह से क्या होता है, वो कैलोरी शरीर में धीरे 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 बढ़ती है, वो कैलोरीज पहुंचाने वाली जो शुगर है वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होती है। फास्ट फूड में रिफाइंड शुगर्स होती हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो बॉडी के अंदर आपने डाला है, इमीडिएटली शुगर का स्पाइक आता है। शुगर का स्पाइक जैसे ही आता है, तो आपकी बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा डेली प्रोसेस्ड फूड की रिफाइंड शुगर बार बार खा रहा है, तो वो इंसुलिन बार बार जाएगी, बार बार जाएगी, और आपके बच्चे का पेंक्रियाज, जिसने इंसुलिन बनाना है, एक स्टेज के बाद थक जाएगा। क्या आप जानते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड जिम्मेवार होगा आज से 20 साल बाद अगर आपके बच्चे को डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज कैसी बीमारी है, ये आज कौन नहीं जानता। अगर एक बार आपका बच्चा इसकी चपेट में आ गया, तो आगे चल के ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, लंग, लीवर, किडनी, आंखें, सब पे असर डालता है। तो अगर आपके बच्चे की डायबिटीज 20 साल बाद वाली बचाना चाहते हैं, तो रिफाइंड शुगर जो कि इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड में होती है, उससे अपने बच्चे को बताइए, बचाइए। उसके अलावा इंडस्ट्री में जो यूज होता है इन चीजों को बनाने के लिए, मैं सिंपल बिस्किट की बात करता हूँ, बहुत हाई टेम्परेचर यूज होता है। हाई टेम्परेचर 300-400 डिग्री तक यूज होता है, और जिस फूड को जितने हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता है, एक तरह के कैंसर करने वाले कण होते हैं, जिसको एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। जब इनकी मात्रा बढ़ती है, तो आपकी बॉडी में इनको पचाने में बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, और ये बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होके आगे चल के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण ये बन चुका है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा, फाइबर है नहीं, कैलोरी डेंस है। अब ये कैलोरी डेंस इन्होंने बनाया क्यों है, क्या वो हमारे बच्चों का नुकसान चाहते हैं, क्या इंडस्ट्री नहीं चाहती कि उनका देश सरवाइव करे, जी नहीं, ये उनकी मजबूरी है। उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, उन्हें अपना प्रॉफिट कमाना है, और अगर वो आपके बच्चे को एडिक्शन नहीं लगवाएंगे, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। जी हाँ, एडिक्शन, मैं उसी एडिक्शन की बात कर रहा हूँ जो स्मैक, चरस, कोकीन, गांजा, इन नशे से होती है। ये बच्चे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक 20 साल का नशेड़ी अगर आपके घर में हो, तो आपका बच्चा कुरकुरे चिप्स के लिए कैसे लड़ाई करता है, आपने कभी ना कभी नोट किया होगा, आपके पैर पकड़ने लग जाता है पहले, आप नहीं मानते रोने लग जाता है, आप नहीं मानते चिल्लाने लग जाता है, नहीं मानते लेट जाएगा, बहुत बुरे तरीके से आपको परेशान करेगा।
आप कंपेयर कीजिए एक नशेड़ी आपके घर में, अगर उसको किसी दिन चरस गांजा नहीं मिला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? सेम कर रहा है, वो भी सेम कर रहा है, बट यहाँ पे छोटा बच्चा है तो हम उसको प्यार में ले लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लेते और उसकी बात को एक हद के बाद जाके मान लेते हैं। बट ये वही था जो एक नशेड़ी कर रहा था। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि ये बच्चे के नशे के लिए बनाया गया है, और वो आपका बच्चा नशा कर रहा है। आप सामने पैकेट रख के उसको नहीं बोल सकते कि बेटा तूने नहीं खाना। जी हाँ, नशा, ये नशा कराती क्यों है? मतलब शुगर्स और नशा बड़ा अजीब सी चीज लग रही होगी। इसका जो मैं कहूंगा राज छुपा है वो हमारे एवोल्यूशन में है। थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूंगा कि कैसे एवोल्यूशन में शुगर्स नशा करती हैं, या कैसे वो प्लेजर कर देती हैं, कैसे बच्चे क्रेव करते हैं। देखिए, जब हम आदि मानव थे, जी हाँ हम सब आदि मानव थे, बंदरों से आए हैं, तब हमारे पुरखों को जिंदा रहने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक, खतरे को भांपना आना चाहिए था, जहां खतरा है वहां से भागना आना चाहिए था। दूसरा, खाना आना चाहिए था। और तीसरा, अपनी स्पीशीज को, अपनी प्रजाति को आगे लेके जाना। अगर ये तीन चीजें थी तो वो सरवाइव कर रहे थे। इसके अलावा ना उस टाइम इंटरनेट की जरूरत थी, ना टीवी की जरूरत थी, ना कपड़ों की जरूरत थी, ना चश्मे की जरूरत थी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। सिर्फ खतरे को डांपना था, आगे स्पीशीज को आगे करना था, रिप्रोडक्शन का मेथड चाहिए था और खाना चाहिए था। तो नेचर ने सेलेक्ट कैसे किया कि मुझे उन लोगों को जिंदा रखना है जिनके पास ये तीनों चीजें होंगी। ओके, तो जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, जो भगवान ने ब्रेन बनाया शुरू में, उसमें बिल्कुल, एक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, सिर्फ इतना ही ब्रेन था उनका। इस ब्रेन में सबसे नीचे वाले पार्ट में उनको जरूरत थी फाइट और फ्लाइट, सिर्फ उनको ये सीखना था। उसके ऊपर एक ये लिम्बिक सिस्टम बनाया। ये लिम्बिक सिस्टम किस चीज में इन्वॉल्व होता था? इमोशनल डिसीजन, फीडिंग डिसीजन एंड सेक्सुअल डिसीजन। जो बाद में हमारा ऊपर का ब्रेन डेवलप हुआ वो सारा कुछ प्रिजर्व है, लेकिन ऊपर के ब्रेन का काम क्या है? इस पार्ट को कंट्रोल करना। पहले ये चीजें ऑटोमेटिक हो रही थी, अब हमारे ब्रेन का जो ऊपर का पार्ट है जिसको फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये उस हिस्से को कंट्रोल करता है। लेकिन जो पहले सिस्टम था, और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चों में अभी भी ऊपर के ब्रेन का सिस्टम नहीं बना होता है, वो लिम्बिक लेवल पे काम कर रहे हैं, वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे आज से कई सैकड़ों साल पहले आपके पूर्वज काम कर रहे थे। कि जब जब उनको शुगर मिल रही थी, तब तब वो उसके लिए उतावले होके खाते थे, जिंदा रहने के लिए जरूरी था। उस टाइम सुपरमार्केट्स नहीं थी कि जब मन किया खा लिया, जैसे ही कोई शुगरी चीज मिलती थी उनको इमीडिएटली उनको खाना पड़ता था। अगर वो खा लेते थे तो उसके बाद एक हफ्ते तक शायद उनको खाना मिलेगा या नहीं, जो खाता था सिर्फ वही जिंदा रहता था। तो ब्रेन का ये पार्ट इस तरीके से नेचर ने ट्रेंड किया हुआ है, जैसे ही वो शुगर देखेगा वो उसकी तरफ भागेगा। अब आपका रिवार्ड सेंटर काम कर रहा है आपको शुगर के अच्छे इफेक्ट दिखाने के लिए। तो जिस जिसने शुगर खाई वो जाति बढ़ती गई, जिस जिसने शुगर नहीं खाई, जिसके जीन्स शुगर के लिए क्रेव नहीं कराते थे, वो विलुप्त हो गए। तो नेचर ने सेलेक्ट किए हम वो लोग हैं जिनको शुगर खाना सच में बहुत पसंद है। जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा, हमारा ब्रेन विकसित हुआ, तो इस लिम्बिक सिस्टम के अलावा एक रैशनल चॉइस के लिए हमारे दिमाग ब्रेन का सिस्टम डेवलप हुआ। लेकिन हमारे ब्रेन की एक खूबी, हम नई चीजें सीख लेते हैं लेकिन पुरानी नहीं भूलते। बच्चों में एक कैच है कि बच्चे अभी तक लिम्बिक लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके ब्रेन का टॉप मोस्ट लेवल डेवलप होता है 7-8 साल के बाद। तब तक बच्चे को जिस चीज में मजा आ रहा है वो करेगा, जिसमें मजा नहीं आ रहा है वो नहीं करेगा। आप चाहे कितना मर्जी समझा लीजिए, रीजनिंग नहीं आती है उनको।
आप उनको ये समझाने बैठ जाएं, बेटा आज ये खाएगा तो कल तेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, ये चीज को समझ ही नहीं पाते हैं वो बच्चे। जब समझेंगे नहीं तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इट इज नॉर्मल उन बच्चों के लिए शुगर क्रेविंग होना, उसको एडिक्शन होना, और मैं कहूंगा फ्लाइट रिस्पॉन्स, छोटी छोटी चीज पे डर जाना। आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, ये बच्चे के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैच्योर ब्रेन ने अपना काम शुरू नहीं किया है। सो एवरीथिंग दैट कॉज प्लेजर, लिम्बिक सिस्टम का ये काम है कि जो भी दिमाग का है, जो भी दिमाग में खुशी पहुंचाएगा वो काम बच्चा करेगा। ब्रेन डिमांड्स फॉर इट, एंड शुगर आर द मोस्ट नोटोरियस। अगर बच्चे को एक बार उसकी आदत लग गई, एक बार उसने खा लिया, जो हम बोलते हैं 6 महीने 8 महीने पे शुगर कम दो कम दो, अगर उसको आदत पड़ गई तो वो नेक्स्ट टाइम वही डिमांड करेगा, वो उससे दूर नहीं रह सकता। तो सबसे पहले बच्चे को ब्लेम करना बंद कीजिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें उसके एनवायरमेंट से शुगर निकालनी है, और कंपनीज लगी हुई है उसके एनवायरनमेंट में शुगर को घुसाने के लिए। इस यही प्रॉब्लम है। तो जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि बच्चा क्रेव क्यों कर रहा है, तो शायद आप बेटर हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए मुझे इतनी बड़ी स्टोरी सुनानी पड़ी। बट सबसे पहले बच्चे के साथ हमें एम्पेथाइज करना है, हमें समझना है कि बेटा क्यों वो क्रेव कर रहा है, और हमें उसको ग्रेजुअली उस जर्नी पे लेके जाना है जो उसके लिए फायदेमंद। सो अब तक हमने डिसएडवांटेज पढ़े प्रोसेस्ड फूड के, अब तक हमने ये पढ़ा कि क्रेविंग क्यों होती है और क्यों एडिक्शन जैसे बड़ों में होती है वैसे ही बच्चों में हो रही है। तो हमें इसको हैंडल भी वैसे ही करना पड़ेगा। आप ये बताइए, अगर आपके फैमिली में कोई है जिसको नशे की आदत लग चुकी है, तो आप क्या करेंगे? उसको समझाएंगे? क्या वो समझता है? कभी भी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि नशा भी वही करता है, उसके लिम्बिक सिस्टम को डिसोसिएट कर देता है जो रैशनल थिंकिंग ब्रेन है। बच्चे में क्या है? बच्चे में भी वही हो रहा है, अभी तक वो एसोसिएशन बना ही नहीं है जो बच्चे को ये बताए कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। सो सबसे पहले इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें इसको उसी लेवल पे उसी तरीके से फाइट करना होगा, और ये फाइट इजी नहीं होगी। बट इसकी साइंस अब मुझे समझ में आ गई है, तो शायद मैं हेल्प कर पाऊंगा। हमें अपने हाथ में कंट्रोल लेना होगा, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा मानता नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको छुड़वाने? आपको उसका एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले घर पे कभी भी पैकेट वाली चीज ना लेके। अगर घर पे आई है, मैं जानता हूं कि कई बार गेस्ट के लिए लानी पड़ती है, या वो कंज के बिठाते हैं, उसमें आजकल बिस्किट देने का एक रिवाज सा चल रहा है, लेकिन आपको अगर कभी आ भी गई है वो चीज, तो बच्चे के सामने डस्टबिन में डालिए। हो सकता है वो 50-100 रुपए का नुकसान हो, लेकिन बच्चे के दिमाग में हो जाएगा कि ये चीज खाने की नहीं है। अगर घर में वो चीज पड़ी हुई है, बच्चा अपने आप को नहीं रोक पाएगा। आपको उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि वो फ्रिज खोल रहा है तो उसके अंदर सब्जियां फ्रूट्स ये सब पड़ा हुआ है, फ्रेश आप बना के दे रहे हैं, लेकिन पैकेट वाली चीज नहीं पड़ी हुई है। जब तक आप ये एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा नहीं सुधरने वाला। दूसरी चीज है रोल मॉडलिंग। आपको खुद ऐसा बनना पड़ेगा कि आप पैकेट वाली चीज नहीं खा रहे हैं। कई बार हम भी इंसान है, हमारा लिम्बिक सिस्टम भी काम बहुत बचपन से कर रहा है, तो हम भी कई बार रजिस्ट नहीं कर पाते कि जब आप खा रहे हैं बच्चों के सामने तो प्लीज छुप के खा लीजिए अगर बहुत मजबूरी है आपके लिए। बट बच्चों के सामने अगर आप पैकेट खोल कर बड़े मजे से खा रहे हैं और बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो नहीं खाएगा, वो नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा मौका आएगा आपको सोशल गैदरिंग में जाना पड़ रहा है जहां पे सब चीजें मिल रही हैं, तो मैं एक एडवाइस करूंगा कि खाने से पहले बच्चे एक हैबिट बनाइए कि आप फ्रूट्स के स्टॉल पे जरूर जाएंगे। फ्रूट्स आपको एक फाइबर के रूप में दे देगा, प्लस उसके बाद अगर बच्चा रिफाइंड शुगर खाता भी है तो पेट के अंदर फाइबर आपने पहले दे दिया, रिफाइंड शुगर ऊपर से गई है, बॉडी के अंदर एकदम से ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा। आप ये कर सकते हैं। अगर
फिर भी कभी कभी बच्चे ने खा लिया तो क्या मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा? जी नहीं। अगर कभी कभी खा लिया, आप इस स्टेज पर पहुंच गए, तो डोंट वरी, आपको भगवान ने, आपके बच्चे को भगवान ने ऐसी चीजें दी हैं कि कभी कभी वाले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा भी लेगा तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। प्रॉब्लम क्या है, हम वीकली दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं या डेली भी दे रहे हैं? तो अगर आपके कुछ सवाल है प्रोसेस्ड फूड को लेकर तो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिए, हम उससे मिलिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप चाहें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।